इससे पहले लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेशंस को समझे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, मतलब क्लोज्ड किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है मतलब, और ग्रुप क्या है और सब ग्रुप किसे कहते हैं, रिंग क्या है और इंटीग्रल डोमेन क्या है, फील्ड क्या है, फील्ड तक हम समझे हैं। फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था आपसे फील्ड से ही वेक्टर स्पेस स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि तीन मेजर फील्ड तो आपको याद रखने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट और आपके पास जेड पी, ये आपको याद रखना है कि ये फील्ड होते हैं, ठीक है। ये जेड पी पी जिस जहां पे प्राइम को रिप्रेजेंट करता है तो वो आपके पास फील्ड होते हैं, इतने याद रखने हैं आपको। फील्ड से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है यहां पे वेक्टर स्पेस है, क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस समझने से पहले दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक तो है इंटरनल कंपोजिशन और एक है एक्सटर्नल कंपोजिशन। किसे इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं और किसे एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं वो हम पहले समझते हैं, तब हम इस पे आएंगे। तो इंटरनल कंपोजिशन समझते हैं पहले। इंटरनल कंपोजिशन जनरल सा हुआ, ए और बी कोई भी दो आप मेंबर किसमें से उठाते हैं, किसी सेट में से उठाते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में से, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए और बी को ऑपरेट करके जो मिले वो उसी सेट में आना चाहिए, तो आप इसे क्या कह देंगे, इंटरनल कंपोजिशन कह देंगे। क्या कह देंगे, इंटरनल कंपोजिशन कह देंगे। तो इंटरनल कंपोजिशन ये हो गया। इसी प्रकार एक्सटर्नल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल कंपोजिशन सर क्या होता है, यहां पे हम नोटेशन जो यूज करेंगे अल्फा बीटा गामा एज ए वेक्टर लेंगे हम, ठीक है, और ए कॉमा बी कॉमा सी स्केलर होंगे। ये क्या होंगे, स्केलर होंगे। मैं ए आर वशिष्ठा पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें जो नोटेशन यूज हुए हैं वही नोटेशन मैं ले रहा हूं, अदरवाइज नोटेशन यू वी डब्ल्यू को वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है और अल्फा बीटा गामा को स्केलर भी लिया जाता है किसी रूप में। तो हम पढ़ रहे हैं ए आर वशिष्ठा, तो ए आर वशिष्ठा में जो नोटेशन है मैं वही यूज कर रहा हूं, ठीक है, बीएससी के लिए यही नोटेशन ए आर वशिष्ठा में। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सटर्नल कंपोजिशन यहां पे होता है, एक एलिमेंट में फील्ड से उठा रहा हूं, फील्ड के एलिमेंट एज ए स्केलर होंगे यहां पे, और एक मैं उठाता हूं वेक्टर, अल्फा उठाता हूं वेक्टर से, अगर इन दोनों को मैं जब ऑपरेट करूंगा तो मुझे मिलेगा वेक्टर में, इसको आप कह देते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये कैसा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक होता था फील्ड के दो एलिमेंट को अगर मैं ऑपरेट इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मल्टीप्लीकेशन है ऑर्डर नहीं, स्केलर है ये, स्केलर को मल्टी, और ये क्या है, एक वेक्टर और एक स्केलर। जैसे आप फील्ड का ले रहे हैं एक वेक्टर का ले रहे हैं, तो ये फील्ड के ऊपर तो स्पेस जनरेट हो गया, इन दोनों से मिलकर स्पेस बना हुआ है, तो वो जो एलिमेंट अब आ जाएगा स्पेस में आ जाएगा, मतलब वो वेक्टर का एलिमेंट हो जाएगा, तो इसे आप क्या कह देंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन कह देंगे। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, मैं जनरल सा एक वर्ड वर्ड नहीं लिखा रहा हूं आपको, लिखा कुछ नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको, देखिएगा, ठीक है, थ्योरम जहां से होंगी उनको प्रूफ कराऊंगा, उसके उससे पहले वेक्टर स्पेस को मैं समझाता हूं वेक्टर स्पेस होता क्या है। अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करें, वेक्टर स्पेस की बात करें, ठीक, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मार्केट में बुक होगी ए आर वशिष्ठा की, आप उसको ले सकते हैं, ये बुक है वो, इससे पढ़ाऊंगा मैं इसका, ये सिलेबस, इसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो इस बुक को ले सकते हैं आप, बीएससी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस बता रहा था मैं आपको, इसमें सबसे पहले क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वेक्टर का एडिशन जो होता है सर, एबिलियन ग्रुप होता है, क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। अब आप समझे हैं एबिलियन ग्रुप किसे कहते हैं, यहां पे जो इंटरनल कंपोजिशन अकेला है, एलिमेंट ऑपरेट एडिशन ले रखा है, तो इसका मतलब इंटरनल कंपोजिशन मेरा क्या रहा होगा, एडिशन रहा होगा। वेक्टर स्पेस में आपसे पूछा जाए, वेक्टर स्पेस में एज ए इंटरनल कंपोजिशन क्या है, एडिशन इज इंटरनल कंपोजिशन इन वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप का मतलब इसके बाद पांच प्रॉपर्टी होंगी, कैसी कैसी प्रॉपर्टी होंगी, अल्फा बीटा गामा, तीन एलिमेंट में वी से उठाता हूं, मैंने कहा कि अल्फा बीटा गामा वी के एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, वी में ही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
जब आप लेते हैं ये भी किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, एक चीज और बताता हूं आपको, जीरो ये स्केलर का एलिमेंट है, लेकिन जब हम वेक्टर लेंगे, जैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते थे 3D में ऐसे ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर इसे कहते हैं ट्रायड है, ट्रायड जैसे ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते थे ट्रायड, उसी तरीके से आगे हम टपल पढ़ेंगे, एन टपल का वेक्टर, कोई वेक्टर एन टपल का है मतलब क्या समझे, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ये क्या है एन टपल का एक वेक्टर है। तो यहां पे आपने अल्फा बीटा लिखा, तो अल्फा बीटा हमेशा जरूरी नहीं कि नंबर ही होगा, वो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहता है कि जीरो वेक्टर में समझाना चाह रहा था आपको, ये जीरो जो है स्केलर से आपने दे रखा है, तो अगर आप अल्फा जो ले रहे हैं आर क्यूब से लेते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस से, डायमेंशन क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, तो जो अल्फा था मेरा वो क्या था ए कॉमा बी कॉमा सी था, तो सर इसका जो जीरो वेक्टर होगा ना वो जीरो 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 होगा, ये मैंने बोल्ड करके बार लगा दिया उसके ऊपर, ये जो अंदर के एलिमेंट होंगे ये जो वाला जीरो ये फील्ड का एलिमेंट होगा, और ये बाहर ये जो बार लगा रखता है ये आपका वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर के वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं फील्ड के होते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस आप किसे कहेंगे, v वेक्टर ओवर f, v ओवर f को आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं v ओवर f को आप वेक्टर स्पेस कहते हैं, कब, जब वो कुछ प्रॉपर्टीज को रखता हो, उनके उन प्रॉपर्टीज में दोनों ऑपरेशन एक साथ चलेंगे, उन प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है मैंने कहा एडिशन ऑफ वेक्टर वो एबिलियन ग्रुप बनाएगा, मतलब v प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, v एडिशन में क्या बनाएगा एबिलियन ग्रुप बनाएगा, तो अगर एबिलियन ग्रुप बनाएगा तो पहली प्रॉपर्टी उसमें आपकी क्लोजर होती है, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उसी में होंगे, एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव इस तरीके से कहेंगे। अब जो हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो दो केस से मैंने डिफाइन किया, उन दोनों से आपको बताता हूं। मान लेते हैं खाली नंबर है, हम नंबर की ही बात कर रहे हैं, कोई टपल उपल नहीं है, खाली नंबर है, तो अल्फा में मैं क्या जोड़ू कि मुझे अल्फा मिले, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। यदि मेरे पास अल्फा ऐसा है ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का है, ये मेरे वेक्टर स्पेस के वेक्टर से लिया गया है, तो इस केस में अल्फा के साथ मैं क्या जोड़ू कि मुझे अगेन अल्फा मिले। अब आप देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे, e की जो वैल्यू आएगी अल्फा माइनस अल्फा आएगी, कैसे निकलेगा देखिएगा, a कॉमा बी कॉमा सी है माइनस a कॉमा बी कॉमा सी, और जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर को बचपन में जोड़ते थे ऐसे ये भी होगा a माइनस a b माइनस b c माइनस c, तो आप देखेंगे जीरो 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 अपने आप आ गए। तो इसका मतलब ये जो जीरो वेक्टर है सर यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो हो गया, कब, जब मैंने ट्रायड में लिया, या फिर एन टपल में भी इसी तरीके से वो वेक्टर रहेगा, अगर एन टपल में बात कर रहा हूं टपल की, टपल में ना अल्फा जब आप लोगे तो ऐसा लेंगे ए वन ए टू अप टू एन सो ए एन तक लेगा, तो उस केस में जो जीरो वेक्टर रहेगा मेरे पास जीरो 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 अप टू एन सो जीरो वो जीरो वेक्टर ऐसा हो जाएगा, इस बात को आप समझिएगा। जैसे मैंने थ्री टपल के लिए आपको प्रूफ करके दिखाया, ऐसे ही एन टपल के लिए भी आप निकाल सकते हैं, ए वन ए टू एलिमेंट से घटाएंगे तो जीरो 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 एन टाइम जीरो आएगा, एन कुछ भी हो सकता है, पांच दस बीस पच्चीस तीस कुछ भी हो सकता है, हम उस एन की बात कर रहे हैं। तो मैंने तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताई कि वो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है जीरो वेक्टर इज द जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वी, वी का होगा वो। अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी फर्स्ट होगी, ये सेकेंड होगी, ये थर्ड होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी अल्फा प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब जीरो वेक्टर, तो अल्फा डैश इज इक्वल टू आप समझेंगे माइनस अल्फा, अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या समझेंगे माइनस अल्फा, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ये क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, तो कम्यूटेटिव भी हो जाएगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि वी प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो एबिलियन में पांच जो प्रॉपर्टी थी एक एक करके हमने प्रूव कर दी, तो पांच के पांच प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो ये जो है पहला पार्ट हमने वी वन पढ़ा,
इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी आएंगी सर। उस V1 के अंदर हमने ये पढ़ा, फिर मैं V2 पे बात करता हूं। तो V2 मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, वो ये होती है कि एक एलिमेंट आप फील्ड से उठाओ, एक एलिमेंट वेक्टर से उठाओ, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई ऑपरेट करेंगे तो आपको वेक्टर में मिलेगा। ये अभी बताया था मैंने आपको, इसे कह देते हैं हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को भी रखेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी V2 वाली ये होगी मेरे पास। तीसरी जो V3 आती है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये ए बी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए बी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए ऑफ बी अल्फा लिख सकते हैं हम। और अगली प्रॉपर्टी ए प्लस बी ऑफ अल्फा दिस इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, और जो V31 ये होगी, V32 ये होगी, V33, और अगली जो प्रॉपर्टी एक फील्ड का एलिमेंट अल्फा आप V में से उठाओ तो 1 इनटू अल्फा जो होगा अल्फा V का मेंबर होगा। ये प्रॉपर्टी चार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। ये इन प्रॉपर्टीज को रखने वाला इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा ना अल्फा ए प्लस बीटा ए, ये तो मिलेगा। तो इन प्रॉपर्टीज को रखने वाला प्रॉपर्टीज क्या होगी, इतनी टोटल मिला के कितनी प्रॉपर्टी हुई, पांच प्रॉपर्टी V प्लस के अंदर थी, छठी प्रॉपर्टी ये होगी, सातवीं ये होगी, आठ नौ दस। तो ये दस प्रॉपर्टी से आपका क्या बना, वेक्टर स्पेस बना सर। क्या बना? वेक्टर स्पेस बना। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें वेक्टर स्पेस की मैं बात करता हूं तो वेक्टर स्पेस में मैंने आपको नंबर के रिस्पेक्ट में भी बताया, और आपके पास ट्राइड या फिर एन टपल का हो तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक सा पहला एग्जांपल अगर हम इसका समझते हैं तो हमसे कहा जाए V ओवर F, F जो है, या आपसे कहा जाए V N F, या आपसे कहा जाए F यहां पे दे दिया जाए V N R, या आपको दे दिया जाए V N C। ये N जो डिनोट कर रहा है वो ये बताता है मुझे ये अंदर जो है फील्ड है सर, अंदर क्या है, फील्ड है। इस बात को समझिएगा, अंदर क्या है, फील्ड है। तो वेक्टर स्पेस जब आप जनरेट करेंगे तो ये अंदर का जो सेट होगा V ओवर F, और ये N बताता है, यहां पे आपको खाली V F लिखा है। तो जो आप अल्फा बीटा गामा लेते हैं तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो नंबर भी हो सकता है। यहां पे टपल में बता दिया, इसका अल्फा कैसा होगा, इसको मैं V अल्फा कैसा होगा बताइए, ए वन ए टू अप टू एन सोन ए एन होगा। अगर n बराबर में तीन रख देता हूं तो अल्फा कैसा होगा, a कॉमा बी कॉमा सी होगा। अगर मैं n बराबर चार रख देता हूं तो मेरा अल्फा जो हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। तो ये n डायमेंशन को बताता मेरा, तो वो उसी तरीके से हम अल्फा बीटा गामा को लेंगे। तो पहली बेसिक चीज आपको बताता हूं इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, f ओवर f हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा सर, ठीक है। अगली चीज, अगर हमारे पास बाहर सुपर फील्ड है अंदर सब फील्ड है तो ये तो वेक्टर स्पेस बना सकता है, बनाएगा। और अगर हमारे पास इस तरीके का है कि ये ऐसा केस है, ये कोई भी छोटा सबसेट, पहले सबसे बड़ा कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, फिर रियल नंबर का सेट, फिर रेशनल नंबर का सेट आता है, ये सब के सब मैंने कहा फील्ड है, आपको बताए थे ये क्या है, फील्ड है, इतने तो फील्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इन फील्ड में यदि आपके पास कोई भी सुपर वाला अंदर चला गया तो आप उसको प्रूव कर देंगे कि वो वेक्टर स्पेस नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसी को लेता हूं, इसी एग्जांपल को लेता हूं, मैंने वी एफ जब आपसे बात करी तो वी एफ में एक आप वेक्टर से उठाते हैं अल्फा, और एक फील्ड से उठाते हैं, तो ए अल्फा जब करते हैं तो वेक्टर में मिलता है आपका, ए अल्फा किसमें मिलता है, वेक्टर में मिलता है। लेकिन जब मैं बात इसकी कर रहा हूं, इसमें देखिएगा फील्ड ए फील्ड में से उठाऊंगा मैं, यहां पे देखिए ए कैसा होगा, यहां पे फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, अल्फा फील्ड कैसा होगा, ए वन प्लस आई बी वन होगा सर, ये फील्ड का मेंबर है मेरा, और वेक्टर रियल नंबर है थ्री, कोई मैंने रियल नंबर उठा लिया, तो जब थ्री इंटू ए वन प्लस आई बी वन मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना है, 3a1 plus 3ib1, ये मिल गया मेरा
कॉम्प्लेक्स नंबर में सर, जबकि यहां मिल गया, आना कहां से था, बाहर लिखा है ना, देखिए वेक्टर स्पेस में जब आप ए वी में अल्फा वी में से उठाते हैं, ए एफ में से उठाते हैं, तो इनको ऑपरेट करके जो मिलता है वो बाहर मतलब वेक्टर में बिलोंग करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वेक्टर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है आपके पास ये वेक्टर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वेक्टर मतलब वेक्टर कौन है, आप इसमें वेक्टर कौन ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करता है। मतलब मैंने आपको ये समझाना चाहा कि सुपर फील्ड जब अंदर चला जाएगा, सुपर फील्ड जब अंदर चला जाएगा तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा सर, जब सुपर फील्ड अंदर चला जाएगा तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से वो फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं आपको कि वेक्टर स्पेस आप कैसे प्रूव करेंगे। फिर मान लेते हैं आपसे कहा जाए वी एन एफ जो है आपका वेक्टर स्पेस है, प्रूव कीजिए। एफ यहाँ पे जनरल फील्ड हो गया, वो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, वो फील्ड ऑफ रियल नंबर हो सकता है, वो फील्ड ऑफ आपके पास रेशनल नंबर हो सकता है, और जेड पी हो सकता है, तो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे वी एन एफ को वेक्टर स्पेस जब मुझे प्रूव करना है तो सर ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा जब मेरे द्वारा लिए जाएंगे तो अल्फा में ऐसा लूंगा, देखो ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, इसी प्रकार जब मैं बीटा लूंगा तो वो क्या लूंगा, बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन, और गामा जब मैं लूंगा, गामा कैसे लूंगा, सी वन सी टू अप टू एन सो सी एन, ये अल्फा बीटा गामा होगी मेरे। क्लोजर प्रॉपर्टी, जब मैं क्लोज की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो अल्फा क्या है ए वन ए टू अप टू एन सो ए एन, बीटा क्या है बी वन बी टू अप टू एन सो बी एन, तो अल्फा प्लस बीटा इनका एडिशन कैसे होता है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में हम इलेवेंथ में पढ़ते थे, इसी प्रकार ए टू प्लस बी टू अप टू एन सो ए एन प्लस बी एन से। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉर ऑल ए आईज बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल बी आईज बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल सी आईज बिलोंग्स टू एफ, ये जो अंदर एलिमेंट है वो तो क्या है, फील्ड के हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा सेट आप जब बात करेंगे वो क्या है आपके पास वेक्टर का है, वो क्या है पूरा वेक्टर है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो पूरा क्या है वेक्टर है। अब देखिए इस केस में जब मैं बात करता हूं तो मैंने कहा कि ए और बी क्या है, फील्ड के एलिमेंट है, तो यदि ए और बी फील्ड के एलिमेंट है, ए और बी फील्ड के एलिमेंट है, तो ए प्लस बी करेंगे वो भी क्या आएगा आपका फील्ड में होगा, नहीं होगा, ए और बी अगर फील्ड के एलिमेंट है तो ए प्लस बी भी फील्ड में होगा, तो इसका मतलब ये भी फील्ड में होगा, ये भी फील्ड में होगा, ये भी फील्ड में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये एन टपल का था, ये एन टपल का था, जोड़ के जो मिला वो भी क्या मिला, एन टपल का ही मिला, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को तो रख रहा है, क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूं तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरी होती है एसोसिएटिविटी, समझिएगा सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा मतलब ए वन ए टू अप टू एन सो ए एन, प्लस बीटा मतलब बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन, प्लस मैं इससे राइट हैंड साइड अपने आप ले आऊंगा, देखिए कैसे लाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास C1, C2 up to and so on CN होगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, A1 plus B1, A2 plus B2 up to and so on AN plus BN, प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास C1, C2, CN, अब ये ब्रैकेट हटाइए, A1 plus B1, A2 plus B2, ये पूरे ब्रैकेट में रखेंगे up to and so on AN plus BN plus C1, C2, CN, अब इनको जोड़ेंगे कैसे आप, A1 plus B1 plus C1, comma, A2 plus B2 plus C2, AN plus BN plus CN, तो अब A1 आप ध्यान दीजिएगा, A1 को अलग लिख लीजिए यहाँ पे और B1 plus C1 को अलग लिख लीजिए, B1 plus C1 एक ब्रैकेट में प्लस कॉमा, A2 plus B2 plus C2 एक साथ, AN plus BN plus CN एक साथ, तो अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन एक साथ हो गया, प्लस
बड़े ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं मैं, ये बी वन प्लस सी वन डॉट डॉट बी एन प्लस सी एन एक साथ हो गया, तो ये अल्फा मिला प्लस यहां से अगेन क्या आ जाएगा बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन प्लस सी वन डॉट डॉट सी एन सर, तो आपको क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको मिल गया। ये क्या लेके चले थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मिल गया गया, ये दो कंबाइंड हो गए इस तरीके से हो गए, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी रख रहा है, हमने क्या पढ़ा क्लोज्ड है कहा और उसके बाद एसोसिएटिव भी इसको दिखा दिया। वेक्टर की अगर मैं इसके जीरो वेक्टर की बात करता हूं तो जीरो वेक्टर को कैसे लेंगे देखिएगा, इसके अंदर मैं इसी से डेफिनेशन से निकाल के बताऊंगा आपको। अल्फा कोई मेंबर लिया मैंने वी का, तो अल्फा प्लस आइडेंटिटी बराबर अल्फा मिलना चाहिए, तो अल्फा कैसा है ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन और ये ई दिस इक्वल्स टू ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, तो जो ई की वैल्यू मिलेगी ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन माइनस ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, अभी बताया था मैंने ई आपको क्या मिल जाएगा ए वन माइनस ए वन ए एन माइनस ए एन, अब आप बताइए ई क्या मिला जीरो जीरो डॉट डॉट जीरो, तो ये जीरो वेक्टर कहलाता है सर, क्या कहलाता है जीरो वेक्टर कहलाता है। तो इसके अंदर क्लोज्ड भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो, आइडेंटिटी भी होगी और एसोसिएटिव भी हो गया। इनवर्स की बात करते हैं, अल्फा अगर आप लेते हैं ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, तो अल्फा प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अब आप पढ़ चुके हैं जीरो होगा, तो यहां से अल्फा डैश अपने आप माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए एन होगा, हाँ या ना सर। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये जो जीरो है ये फील्ड का एलिमेंट है और यहां भी ये जीरो फील्ड का है, टोटल पूरा जीरो वेक्टर जो मिला ये आपका वेक्टर का है, इस बात को आप समझिएगा। अब आप देखेंगे यदि ए कोई मेंबर है मेरे फील्ड का तो आप माइनस ए भी तो मेरे फील्ड में होता है, इसका मतलब ये भी फील्ड में ये भी फील्ड में ये भी फील्ड में, तो अल्फा डैश क्या आ गया अल्फा डैश की जगह पे मैं माइनस अल्फा कह दूं माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो इस एडिटिव इनवर्स की बात करें वेक्टर में तो अल्फा का क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, वो एडिटिव इनवर्स भी हो गया। तो एसोसिएटिव है इनवर्स है क्लोज्ड है, तो इसी तरीके से आपके पास यहां पे क्या है इनवर्स भी, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा भी प्रूव कर सकते हैं आप, अभी हमने एसोसिएटिविटी में किया था, इसके एलिमेंट लिखे इसको फिर उनको, क्योंकि हम जानते हैं ए वन ए टू ए एन जब आप लिखेंगे प्लस बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन दिस इज इक्वल टू आपके पास ये, यहाँ पे आप देखेंगे ए वन प्लस बी वन कॉमा ए टू प्लस बी टू अप टू एन सॉन ए एन प्लस बी एन लिखेंगे, ये स्केलर है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो स्केलर मतलब फील्ड के एलिमेंट, फील्ड के एलिमेंट मतलब फील्ड के एलिमेंट सर आपस में कम्यूट करते हैं मैं जानता हूं, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और इसको जब मुझसे कहा जाए तो बी वन बी टू बी एन प्लस ए वन ए टू ए एन, मतलब क्या हुआ ये आपका बीटा ये आपका एल्फा, तो इसको हम बीटा प्लस एल्फा तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बीटा प्लस एल्फा भी आ गई। तो मैंने पहले क्या पढ़ा वी जो है एडिशन में एबिलियन ग्रुप है, वी जो है एडिशन में क्या बनाता है एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो इसी तरीके से आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन की भी बात करेंगे, इसके अंदर जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे सर तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो आराम से फॉलो कर जाएंगे आप, इसमें अल्फा एक वेक्टर उठाइए कैसा ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, तो ए फील्ड का एलिमेंट उठाइए आप ए अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा बताइएगा ए ए वन ए ए टू ए ए एन। अब आप जान रहे हैं यहां से सारे ए आई भी फील्ड के हैं और ए भी फील्ड का है, तो मैं ये जानता हूं कि ए ए आई भी फील्ड का एलिमेंट होगा भाई, फील्ड जो होता है सेमी ग्रुप होता है मल्टीप्लीकेशन में, सेमी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी ये रखेगा, तो ये क्लोज भी हो गया मल्टीप्लीकेशन में, इसने स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी रख दिया, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है उनको तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस की हमारे पास बेसिक डेफिनेशन हमने देखी, वेक्टर स्पेस कहते किसे हैं और वेक्टर स्पेस कैसे जनरेट करते हैं मतलब क्या होता है ये हमने इसमें
पढ़ा। एक चीज मैंने आपको बताई कि फील्ड ओवर फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, और जब आप सुपर फील्ड को बाहर लेते हैं, सुपर फील्ड को बाहर लेते हैं तो उस केस में वेक्टर स्पेस तो जनरेट करेगा। जैसे आपसे कहूं आर ओवर क्यू तो वेक्टर स्पेस होगा, लेकिन जैसे ही आप सब फील्ड को बाहर ले लेंगे और सुपर को अंदर, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं क्यू ओवर आर भी जो होगा आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। प्रूफ करके देखते हैं। देखिए एक एलिमेंट इसका एक, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इसका एलिमेंट एल्फा, इसका एलिमेंट फील्ड का एलिमेंट, तो एल्फा इंटू ए बिलोंग करना चाहिए वी में, वी मतलब क्यू में। यहां देखिए रियल नंबर में अंडर रूट टू ले लेता हूं, ये मेरा ए हो गया आर का, और एक थ्री ले लेता हूं किसका, क्यू का, थ्री इंटू टू, जबकि आना किसमें चाहिए था, ये क्यू में, लेकिन आप समझते हैं ये क्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब मैंने आपको ये चीज बताई कि सुपर फील्ड अंदर होने पे वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को फेल करेगा हमेशा, तो वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं करेगा। पहली बात एफ ओवर एफ तो होगा ही होगा, और कोई सेट इस तरीके, जैसे मैं आपसे कहूं एफ ओवर एफ का मीनिंग क्या हुआ, आर ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा, सी ओवर सी क्योंकि ये फील्ड होते हैं, सी ओवर सी वेक्टर स्पेस होगा, क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस होगा, नंबर में आ जाएगा। इस केस में नंबर है तो नंबर में सर जीरो आइडेंटिटी हो जाएगी, जीरो ही जीरो वेक्टर हो जाएगा। टपल में ऐसा आ रहा था, थ्री टपल का होता तो जीरो 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 को आप जीरो वेक्टर कहते हैं, ये सब नंबर में है तो नंबर में जीरो एलिमेंट ही जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपसे कहूं जेड पी ओवर जेड पी बताइए वेक्टर स्पेस होगा, आप कहेंगे यस वेक्टर स्पेस होगा। आपसे कहूं मैं आर ओवर आर बता दिया, ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस होंगे, तो सुपर फील्ड को अंदर नहीं आना है। सुपर फील्ड अगर अंदर आ गया तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को फेल कर जाएगा।